करनाल के पाम ग्रीन रिजॉर्ट में राइजिंग इंडिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के द्वारा मिस्टर एंड मिसिस फेम एशिया इंटरनेशनल 2019 का आयोजन किया गया, जिसके फाउंडर अरमान सिद्दीकी ने बताया कि फैशन इंडस्ट्री में लोगों का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस शो के डायरेक्टर रोहित गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि रक्षित ने भी मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि फैशन इंडस्ट्री को लेकर और लोगों के क्रेज को लेकर ये शो किया गया है। शो के डायरेक्टर सेलिब्रिटी डिजाइनर विपिन अग्रवाल जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए शो के बारे में जानकारी दी। बिग बॉस रोडीज और नट्स वाली फ्रेम प्रिंस नरूला ने शिरकत की। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। हाय एवरीवन, मैं आपका अपना प्रिंस नरूला और आज मैं दिल्ली में हूँ। आज मैं एक इवेंट करने आया था जो मेरे भाई वोक एंटरटेनमेंट की कंपनी से। सो या हियर एम आई अबाउट द शो। एक्चुअली बहुत कम फैशन शोज होते हैं जो बहुत अच्छे तरह से किए जाते हैं, सो ये उनमें से एक था। यू नो, बहुत अच्छे से अरेंज था, यू नो, एंड सबको जो ट्रॉफीज दी गई हैं वो उनके अकॉर्डिंग दी गई हैं, पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब इस शो के बारे में ऐसा होता है कि जितने ब्यूटी पेजेंट होते हैं, यू नो, यहाँ पर लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, यू नो, कि क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं लाइफ में, जो आगे जाके जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उनसे वो मिस्टेक ना हो, और जब जाएं तो उनका जो यू नो वो एक शाय फील करते हैं, झाका सा होता है, वो खुल जाए, है ना, और वैसे न रहें और थोड़े कॉन्फिडेंस से जाएं आगे। लेकिन जिस तरह से आजकल ट्रेंड चल गया है, हर दिल्ली में हर स्टेट पे ये शो हो रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस, बहुत अच्छा ट्रेंड चल गया, ये शो किस तरह से अलग था? अलग ऐसे नहीं होते, सारे शो एक तरह के होते हैं, बट अलग वैसे था कि बहुत अच्छे से अरेंज था, यू नो, और बहुत अच्छे से किया गया। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई कंप्लेंट थी किसी चीज़ से लेकर। बहुत सारे शोज होते हैं जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, यू नो, अच्छे से अरेंज नहीं किया था, कुछ नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता। सो यहाँ पर सब बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया गया और सब ने अच्छे से काम किया अपना। सो दैट्स द रीज़न ये अलग था। यूथ को यही मैसेज है कि बस अपने आप को फॉलो करो, यू नो, और अपने आप को देखो कि तुम्हें बेस्ट क्या चीज़ है और उसी को और निखारो और लाइफ में अच्छे काम करो। हाय, माय नेम इज़ विपिन अग्रवाल, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर फ्रॉम दिल्ली। I directed the show and now you will have to say how was it, but we really worked hard for 4 days and, you know, groomed these contestants from different states. They were all freshers and now look at them, they are totally changed. Isme industry ke top groomers as in Dr. Varun Katyal, Harsh Kullar, and different makeup team like Miss Bansal came and they trained the guys for this pageant, and this is different because as the winner will represent India on international platform. This is Rishi Rakshit. Humne ek bahut hi badhiya platform logo ke liye banaya, bachcho ke liye banaya, jiski umr seema 16 saal se 28 saal tak thi. इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 10,000 लोगों में से चुन के यहाँ पे 60 लोग आए जिनमें कि 20 लड़कियाँ और 40 लड़के थे। इस शो का नाम है राइजिंग इंडिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने इस शो को कंडक्ट किया है। इस शो का नाम है मिस्टर एंड मिस फेम एशिया इंटरनेशनल 2019। इस शो करने का पर्पस ये था कि अभी के यूथ को, अभी के जो लोग हैं उनको मॉडलिंग में, उनको पैजेंट में बढ़िया करियर मिले, फैशन शो में रैंप हो। यूथ को मैसेज रहेगा कि जो लोग अभी बहुत काफ़ी निराश हैं, जो लोग कि यार हम नहीं जीत पाए या हम ये नहीं हो पाए, मेरा कहना है कि आप लोगों के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा और इससे बढ़िया चीज़ें आप लोगों के लिए ऑलरेडी तैयार हो रही होंगी। आप मेहनत करें, आगे जाएं। The event which I have attended today, which has been organized by Rising India Entertainment Productions, one of the wonderful events which I have seen, and all the glamour, all the intelligentsia, I believe, in young boys and girls were very evident on the stage. What message you will give and to the youth? That these kind of platforms are there for them to grow in their career and give a message to the world, to the society, that yes, if you have the confidence in you, if along with the glamour, along with the personality, you can grow and develop the society as such. I want to say this is a successful event for our first event. This is our first event, and now we have the winners of Mr. India or Miss India. So thanks to Prince Narula and Bharat Chawla ji for attending the event, and thank you so much to all. Best of luck, guys.